राहुल गांधी का एक अचीवमेंट साला मैं ढूंढते ढूंढते थक गया, आज तक मुझे नहीं मिला। राहुल गांधी जी जो ये तो विदेशी हैं, इनको तो हमारे देश से कोई लेना देना नहीं है। भैया जो विदेशी कोख से पैदा हुए लोग हैं वो भारत के बारे में नहीं सोच सकते। तो सनातन धर्म को तुम गाली दे रहे हो, अगर इतने ही सेक्युलर हो तुम तो ईसाइयों को भी गाली दो। अच्छा। तुम्हारे अंदर अगर इतनी हिम्मत है तो एक शब्द कुरान के ऊपर बोल दो ना, 6 इंच ऊपर से गायब हो जाए तो मेरा नाम बदल देना, मैं यही इसी चैनल पे माफी मांगूंगा। अरे 1200 साल मुगल राज करके चले गए, 200 साल ईसाई राज करके चले गए, तो भी सनातन धर्म खत्म नहीं कर पाए, तो तुम अपने बाप को, अपने अद्दू को, अपने दादा को, सबको लेके आ जाओ। सनातन धर्म कहीं नहीं जाने वाला, जाएगा तो तुम्हारा अस्तित्व। मैं तो गर्व से, प्राउड से बोलता हूँ मैं मोदी भक्त हूँ, क्योंकि मैं मोदी भक्त नहीं, अंधभक्त कहेंगे फिर आप। राष्ट्रभक्ति अंधभक्ति है तो उसमें क्या दिक्कत है? हम जॉर्ज सोरस के तो तलवे नहीं चाट रहे हैं। जो देश का समर्थन कर रहे हैं हम गर्व से उसका समर्थन कर रहे हैं। अगर उसको अंधभक्ति बोलते तो भैया हम बचपन से ही अंधभक्त हैं और आगे भी शायद हम अंधभक्ति रहेंगे। ये हमारे देश का कितना बड़ा विडंबना है कि जिसका परदादा कांग्रेस को वोट दे दिया, जिसका बाबा पर, जिसका पापा कांग्रेस को वोट दे दिया, जिसका बच्चा जो है सो कांग्रेस का वोट दे दिया और जिसका पोता कांग्रेस को वोट दे दिया, लगातार 5 पीढ़ियों से जो लोग एक दल के गुलाम थे वो आज 10 साल में मोदी के सपोर्टर को अंधभक्त कह रहे हैं। इतना देश बदल दिया था कि सेक्युलरिज्म शब्द जोड़ दिया, आंशिक मुस्लिम राष्ट्र इसको बना दिया, गर्त में डाल दिया देश को, देश की इकोनॉमी खत्म कर दी, जीडीपी खत्म कर दी, आतंकवाद एकदम टॉप पे पहुंचा दिया। तो भैया ऐसे देशभक्त लोग हमें नहीं चाहिए, ऐसे लोगों को जूता मार के भगाओ भारत से। ये लोग का होमवर्क अच्छा रहता नहीं था, आते थे पढ़ के जीडीपी के बारे में, पूछ लिया जाता था अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में, आते थे अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में पढ़ के, पूछ लिया जाता था उज्ज्वला योजना के बारे में, जब बात करते थे भ्रष्टाचार का तो याद दिला दिया जाता था लालू यादव, जब बात करते थे लोकतंत्र का तो याद दिला दिया जाता था इमरजेंसी सोनिया गांधी, जब बात करते थे परिवारवाद का तो याद दिला दिया जाता था गांधी परिवार। तो इन लोग का जो पोल खोलने का काम किया, जो जो पत्रकार, उन लोग के ऊपर फतवा जारी कर दिया। और आपने जैसे शिवसेना के पप्पू बता दिए, कांग्रेस के पप्पू बता दिए, और कितने पप्पू हैं इंडिया अलायंस में? ये पप्पुओं से ही बना हुआ INDIA है। इसमें आप मुझे एक ढंग का नेता बता दो जिसने हमारे भारत को समर्पित करते हुए एक काम किया हो। सुधीर चौधरी गोदी मीडिया, सुशांत सिन्हा गोदी मीडिया, अंजना ओमकश्यप, चित्रा तिवारी सब गोदी मीडिया, रवीश कुमार, चित्रा त्रिपाठी, अजीत अंजुम, साक्षी जोशी, प्रज्ञा मिश्रा, ऐसे अन्य चीन के पैदाइशी लोग जो यहाँ काम कर रहे हैं, जो मोदी जी के खिलाफ एजेंडा चलाते हैं, G20 जो देश का मुद्दा था उसको G20 साबित करने के लिए जो ये लोग काम किए, वो लोग क्या पप्पू मीडिया है क्या? हम लोग बोले उनको पप्पू मीडिया? नमस्ते, मेरा नाम नीतीश ठाकुर है। एक बार फिर आप खबरें भारत देखना शुरू कर चुके हैं। देश का चौथा स्तंभ पत्रकारिता कहलाता है, लेकिन जब विपक्ष ही पत्रकारिता पे चोट करने लग जाए तो माहौल कैसा होगा? जी हाँ, विपक्षियों के द्वारा, INDIA इंडिया गठबंधन के द्वारा विपक्षियों ने क्या किया है कि पत्रकारों को बैन किया है। पहली बार ऐसा आपको सुनने को मिला होगा कि 14 पत्रकारों को विपक्षियों के द्वारा बैन किया गया और कहा गया है कि इनके शोज में हमारे प्रवक्ता नहीं जाएंगे। खैर, वो जो पत्रकार है वो अपने मन में यही कह रहे हैं कि तुम मत ही आओ तो ज़्यादा बेहतर है, चिल्लाने के अलावा तुम कुछ करते नहीं हो। अब मैं कुछ लोगों से आपको मिलवाऊंगा जो धुरंधर रूप से अपने बातों को प्रस्तुत करना बहुत अच्छे से समझते हैं। मेरे साथ एक पत्रकार भी, अंजनी झा हो गए। पत्रकारों के बायकॉट करने का जहां तक सवाल है वो ये दर्शाता है कि असल में 56 इंच का सीना सिर्फ मोदी जी के पास है। अच्छा। क्योंकि नरेंद्र मोदी को इतने सालों से जब यही मीडिया हाउस और यही पत्रकार ये कह रहा था कि गोधरा कांड के मुख्य आरोपी हैं, ठीक है, लेकिन उसके बाद जब कोर्ट से क्लीन चिट मिल जाता है तो मोदी जी तो नहीं कहे कि हम पत्रकारों का बायकॉट कर देते हैं। वो चाहते तो सारे के सारे मीडिया हाउसेज बंद करवा देते, लेकिन नहीं किया। क्यों? क्योंकि सबकी अपनी अपनी आज़ादी है। सही में देश में स्वतंत्रता अभिव्यक्ति की आज़ादी है इस देश में। ये हमारे देश का कितना बड़ा विडंबना है कि जिसका परदादा कांग्रेस को वोट दे दिया, जिसका बाबा पर, जिसका पापा कांग्रेस को वोट दे दिया, जिसका बच्चा जो है सो कांग्रेस का वोट दे दिया और जिसका पोता कांग्रेस को वोट दे दिया, लगातार 5 पीढ़ियों से जो लोग एक दल के गुलाम थे वो आज 10 साल में मोदी के सपोर्टर को अंधभक्त कह रहे हैं। ये इस देश का जो है, देख लीजिए कितना बड़ा वो है, नैरेटिव सेट कर दिया गया है इस देश में। जी भाई साहब, आपकी बातें भी बहुत ज़्यादा वायरल रहती हैं। एक बात बताइए, पत्रकारों, 14 पत्रकारों को बॉयकॉट किया गया है, इसमें बुराई क्या है? अब जो आदमी मोदी मोदी करता रहेगा उसको बॉयकॉट नहीं करेगा विपक्ष? देखो, 14 पत्रकारों का बॉयकॉट किया है ना, उससे पत्रकारों को और हम आम जनता को 2 रुपये का फर्क नहीं पड़ता। अच्छा। तुम 14 क्या 400 पत्रकारों को बॉयकॉट कर दो। ये इतने बड़े, ये कांग्रेस पार्टी है, इसका नाम बदल के और सेल्फ गोल पार्टी रख देना चाहिए। अच्छा। इनकी सेल्फ गोल सुप्रीमेसी इतनी ज़्यादा अच्छी है कि ये जो 14 पत्रकारों को इन्होंने बॉयकॉट किया वो देश में लगभग सबसे टॉप पे चलने वाले 14 पत्रकार है और उन्हीं का शो पूरे देश भर में सबसे ज़्यादा देखा जाता है। तो तुम उन्हीं के माध्यम से जो अपनी 2-4 बात जनता तक पहुँचा पा रहे थे, अब तुमने उसको भी बॉयकॉट कर दिया तो अब जाके जाओगे कहाँ पे? अब तुम्हारी बात जनता तक पहुँचेगी कहाँ पे? तुम्हारा रोना जनता सुनेगी कहाँ से? तुम्हारे ऊपर सिंपैथी दिखाएगी कहाँ से? तो ये जो कांग्रेस ने वो खुद ने सेल्फ गोल
कर दिया, सेल्फ गोल सुप्रीमेसी हो गई है इनकी। इनके लिए अब जैसे इन्होंने गोदी मीडिया एक शब्द दिया हुआ है, जो बीजेपी के समर्थन में बोले तो वो गोदी मीडिया। तो भैया अगर राष्ट्रभक्ति गोदी मीडिया होना है तो भैया हम जैसे लोग राष्ट्रभक्त हैं और गर्व से मोदी भक्त भी हैं। अच्छा। मैं तो गर्व से प्राउड से बोलता हूँ मैं मोदी भक्त हूँ, क्योंकि मैं मोदी भक्त नहीं अंधभक्त कहेंगे फिर आप। राष्ट्रभक्ति अंधभक्ति है तो उसमें क्या दिक्कत है? हम जॉर्ज सोरस के तो तलवे नहीं चाट रहे हैं, हम हिंडनबर्ग के पैरों में तो नहीं पड़े, हम शी जिनपिंग के 2 रुपए पे तो नहीं जी रहे ना। कमा रहे खा रहे जो देश का समर्थन कर रहा है, हम गर्व से उसका समर्थन कर रहे हैं। अगर उसको अंधभक्ति बोलते तो भैया हम बचपन से ही अंधभक्त हैं और आगे भी शायद हम अंधभक्ति रहेंगे। और तुम जो 14 पत्रकारों का बॉयकॉट कर रहे हो, अब जैसे इंडी अलायंस है तो ये सिर्फ उन्हीं के पत्रकार के पास जाएंगे जो चिंदी अलायंस का समर्थन करेगी। अच्छा। जैसे राजदीप सरदेसाई हो गए, बरखा दत्त हो गई, और ऐसे एक दो पत्रकार है जो इनका समर्थन करते थे। रवीश बदलने वाले पत्रकार हैं ये लोग। इतना देश बदल दिया था कि सेक्युलरिज्म शब्द जोड़ दिया, आंशिक मुस्लिम राष्ट्र इसको बना दिया, गर्त में डाल दिया देश को, देश की इकोनॉमी खत्म कर दी, जीडीपी खत्म कर दी, आतंकवाद एकदम टॉप पे पहुंचा दिया। तो भैया ऐसे देशभक्त लोग हमें नहीं चाहिए, ऐसे लोगों को जूता मार के भगाओ भारत से। अच्छा। राहुल गांधी जी जो ये तो विदेशी हैं, इनको तो हमारे देश से कोई लेना देना नहीं है। भैया जो विदेशी कोख से पैदा हुए लोग हैं वो भारत के बारे में नहीं सोच सकते। उसका एक लाइव एग्जाम्पल इन्होंने दे दिया, सनातन धर्म को गाली दे दिया। एक बोरे पे कन्वर्ट होने वाले उदय निधि स्टालिन जैसे लोग हमारे सनातन धर्म को गाली दे रहे हैं। अरे 1200 साल मुगल राज करके चले गए, 200 साल ईसाई राज करके चले गए तो भी सनातन धर्म खत्म नहीं कर पाए। तो तुम अपने बाप को, अपने अद्दू को, अपने दादा को, सबको लेके आ जाओ, सनातन धर्म कहीं नहीं जाने वाला, जाएगा तो तुम्हारा अस्तित्व। सनातन में ऐसा है क्या, एक बात बताइए। पत्रकारिता के मुद्दे पे था, आपने सनातन उठा दिया सवाल। मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, जिस तरीके से सनातन पे बात होती है, सनातन में ऐसा है क्या जो आप लोग इतने ज़्यादा सपोर्ट में? अगर उसने बोल दिया, बोल दिया, यही अगर इतनी हिम्मत है सनातन में है क्या? बड़ा सेक्युलरिज्म का गाना गाते हो ना। आपने बोला पत्रकारिता को सनातन धर्म से कैसे जोड़ दिया, ये पत्रकारिता भी और सनातन धर्म भी दोनों ये इंडिया लाइन से जुड़ा हुआ चीज़ है, दोनों का मुद्दा इन्होंने ही उठाया था। तो सनातन धर्म को तुम गाली दे रहे हो, अगर इतने ही सेक्युलर हो तुम तो ईसाइयों को भी गाली दो। अच्छा। तुम्हारे अंदर अगर इतनी हिम्मत है तो एक शब्द कुरान के ऊपर बोल दो, ना 6 इंच ऊपर से गायब हो जाए तो मेरा नाम बदल देना, मैं यही इसी चैनल पे माफी मांगूंगा। नुपुर शर्मा ने तो इनका हदीस ही कोट किया था ना। क्या हुआ था, पूरे भारत में आग लग गई थी, हमारे सो कॉल्ड बहुत माननीय चंद्रचूड़ जी सुप्रीम कोर्ट के जज, उन्होंने तक ने नुपुर शर्मा को बोल दिया था। अब तुम्हारा सेक्युलरिज्म कहाँ चला गया? अगर तुम्हें भारत की इतनी चिंता है, तुम इतना ही चाहते हो सब एक साथ एक समान रहे, तो उदय निधि स्टालिन का भी थोड़ा बहुत वो कर दो, वहाँ भी प्रोटेस्ट कर दो, वो नहीं करेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य ने आज गाली दी, उनके ऊपर कुछ बोल दो, वहाँ नहीं बोलेंगे। तो ये दोगला चेहरा सब देख रहे हैं आपके माध्यम से, तमाम पत्रकार, सोशल मीडिया सबके माध्यम से हमें पता चल रहा है ना। तो यही सब दोगला चेहरा है। तुम 1400 पत्रकारों को बर्खास्त कर दो, हमें 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता, बल्कि उनकी टीआरपी बढ़ी जाएगी। ठीक है, एक चीज़ और मुझे बताइए, ऐसा भारत के इतिहास में पहली बार नहीं हुआ है कि जब पत्रकारों का बॉयकॉट हो रहा हो। ठीक है, इससे पहले भी NDTV का बॉयकॉट करने वाली सबसे पहली पार्टी भारतीय जनता पार्टी थी, और उसमें उन्होंने रवीश कुमार के शो पे किसी भी प्रवक्ता को भेजने से मना कर दिया था, और इवन NDTV पे भी, जो कि अभी तक चला आ रहा है। तो अब इस पे आप क्या कहेंगे? ये भी तो कहीं ना कहीं गलत। कहाँ गलत है? अच्छा, कहाँ गलत है? अब राहुल गांधी जी ने बॉयकॉट कर दिया तो मैंने तो नहीं सुना किसी नरेंद्र मोदी जी ने बोला अरे तुमने बॉयकॉट कर दिया है, तुम इमरजेंसी ला रहे हो, सेक्युलरिज्म खतरे में चला गया। ऐसा गाना किसी भारतीय जनता पार्टी के तो प्रवक्ता ने नहीं गाया, मैंने तो नहीं सुना ऐसा। तो कांग्रेस, अगर बीजेपी वालों ने बॉयकॉट कर दिया तो तुम क्यों गाना गा रहे हो? बीजेपी वालों ने बॉयकॉट किया रवीश कुमार का, फिर भी आज इतने पूर्ण बहुमत से बैठे हुए हैं, उनकी सरकार बनी हुई है, उनको 2 रुपये का फर्क नहीं पड़ा। लेकिन तुमने 14 पत्रकारों का बॉयकॉट किया है ना, अभी 2014 से पहले तो तुम पत्रकारों के पैरों में गिर के अपनी बात बोलते थे, तब भी तुम नहीं जीत पाए। अब तुम बॉयकॉट कर चुके हो, तुम्हारे पास ये जनता तक पहुंचाने का माध्यम ही खत्म हो गया, तो तुम क्या घंटा जीतोगे? अरे सोशल मीडिया है, ट्विटर है, राहुल गांधी जी सोशल मीडिया पे इतने फेमस है, डोले वोले देखे आपने उनके? राहुल गांधी जी का एग्जाम्पल ले रहे हो, यही उद्धव ठाकरे जी थे जो फेसबुक पे आके भाषण देते थे, क्या हो गया? शिवसेना का ही सफाया कर दिया इन्होंने। उसी राह पे राहुल गांधी जी भी चल चुके हैं उद्धव ठाकरे जी से इंस्पायर होके। ये दोनों इक्वल टू पप्पू ही हैं, वो शिवसेना के पप्पू या कांग्रेस के पप्पू, वो फेसबुक पे अपना इस्तीफा देते हैं। तुमने सोशल मीडिया को ही बॉयकॉट, तुमने पत्रकारों को ही बॉयकॉट कर दिया, तुम भी उद्धव ठाकरे की तरह दो चार दिन बाद जो 400 से 40 पे थे वो धीरे धीरे -4 पे आएंगे 2024 के रिजल्ट में। अच्छा। आपने जैसे शिवसेना के पप्पू बता दिए, कांग्रेस के पप्पू बता दिए, और कितने पप्पू हैं इंडिया अलायंस में, मतलब इंडिया अलायंस? कौन सा इंडिया अलायंस? अभी इतने अच्छे हमारे पत्रकार INDIA अलायंस ने, भाई साहब बताइए, ये पप्पुओं से ही बना हुआ INDIA है। इसमें आप मुझे एक ढंग का पत्रकार एक ढंग का नेता बता दो जिसने हमारे भारत को समर्पित करते हुए एक काम किया हो।
कोई है नहीं। अब ये सोचते हैं कि भाई हम तिलकधारी हैं तो मतलब हम बीजेपी को समर्थन करते हैं, हम भगवा गमछा पहनते हैं तो हम बीजेपी को समर्थन करते हैं, तो इनको यही नहीं पता कि राष्ट्रभक्ति में और ये क्या बोलते हैं हमारे देश के ऊपर अगर कुछ हम न्यौछावर कर रहे तो उसमें क्या फ़र्क है। ये सोचते हैं कि अगर कोई हिंदुत्व की बात कर रहा है तो वो इनडायरेक्टली बीजेपी समर्थन हो गया, इसीलिए ना चाहते हुए भी इनको सनातन को, भाजपा को और जो हमारे राष्ट्रवादी पत्रकार हैं उनको गाली देना पड़ता है। तो ये इनकी गलती नहीं है, इन्होंने विचारधारा एक कम्युनिस्ट वाली बना ली है। तुम जॉर्ज सोरस से फंडिंग लोगे, हिंडनबर्ग से फंडिंग लोगे, उसके बाद शी जिनपिंग से पैसा लोगे तो तुम कहाँ से देश की बात कर सकते हो। मजबूरी में ना चाहते हुए भी इनको देश विरोधी बात करनी पड़ती है और इसका खामियाजा कांग्रेस पहले भी भुगती थी और आज तक भुगतती आ रही है। एक और सवाल आपसे लेना चाहूंगा, सुप्रिया श्रीनेत हैं, वो भी इससे पहले पत्रकारी थी, अब उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली, कांग्रेस की प्रवक्ता हो गई, आज वो भी गोदी मीडिया कह रही है, इस पे क्या कहना है? अच्छा, आप उसी सुप्रिया श्रीनेत की बात कर रहे हो क्या जो बोलती थी गंदी नाली का कीड़ा? तो ऐसे अनपढ़ जाहिलों को ये भी नहीं पता कि हम नेशनल टीवी पे बैठे हमें किस तरीके का शब्द का प्रयोग करना चाहिए, वो आज हमें ज्ञान देने आ रहे, गोदी मीडिया की बात करता रहे। ऐसे तो तुम भी चिंदी मीडिया हो हर बात पे। राहुल गांधी का एक अचीवमेंट साला मैं ढूंढते ढूंढते थक गया, आज तक मुझे नहीं मिला। मैंने लिटरली 14 साल से आज तक न्यूज़ फॉलो किया है 2014 से, मुझे एक अचीवमेंट नहीं मिला वो सेल्फ गोल करने में, बल्कि बहुत ज़्यादा अचीवमेंट मिल गया। लद्दाख की तुम इतनी अच्छे सड़कें दिखा दे रहे हो, उसके बाद ये बोल दे रहे हो कि मैं कश्मीर गया था तो मुझे सिक्योरिटी की जरूरत ही नहीं पड़ी, इतना सुरक्षित है मेरा कश्मीर, लोग तिरंगा लेके घूम रहे। अरे तो तुम खुद इनडायरेक्टली बीजेपी का, नरेंद्र मोदी जी का प्रचार कर रहे हो, तो सुप्रिया श्रीनेत क्या सोच के तुम ऐसे पार्टी का समर्थन कर रही हो? इससे हमें समझ में आ जा रहा है कि तुम्हारा लेवल और तुम्हारे कांग्रेस पार्टी का लेवल क्या हो सकता है। लेवल आपने डिफाइन कर दिया है, एक बात बताइए भाई, बीजेपी ने इससे पहले किया तो कोई दिक्कत नहीं, आज कांग्रेस कर रही है तो दिक्कत, मतलब तुम करो तो अभ्रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला है। पहली बात आपको बता दे, छड़ा मुस्कान देख रहा है ना, बहुत खुश है, पूछिए क्यों खुश है। खुश है जी, क्योंकि पत्रकार के ऊपर फतवा जारी किया गया है और उससे भी ज्यादा खुश जी, फतवा जारी किया गया है, क्योंकि इसको बॉयकॉट नहीं बोलते, इसको बहिष्कार नहीं बोलते, फतवा जारी हुआ है। आपको बता दे, इस देश में इतना खुशी का माहौल है कि अब ना ही इस देश की जनता को, ना ही रणदीप सुरजेवाला का बचकाना बचाव होगा राहुल गांधी को लेके, ना ही पवन खेड़ा का बाह्य टिप्पणी सुनने को मिलेगा, और ना ही सुप्रिया सिन्हा जो कि सबसे बाह्यत प्रवक्ता है उनका गाली सुनने को नहीं मिलेगा। अब हम लोग कुछ दिन से, हम लोग पता है जब हम लोग न्यूज़ में बैठते थे देखने के लिए तो मम्मी पापा कुछ देर के लिए हम लोग को हटा देते थे। क्यों हटाते? क्योंकि सुप्रिया सिन्हा जैसे प्रवक्ता आते थे, गाली गलौज नालिया कीड़ा बाह्यत वैत क्या क्या टिप्पणी करती थी, ठीक है, पापा बोले तुम भी सीखोगे यही लैंग्वेज, तुम चल रहा हो दूसरे रूम में, ठीक है। अब क्या होता है, अब सुप्रिया सिन्हा आ नहीं रही है, अब हम लोग चैन से शाम का, आप देखिए कितना खुशनुमा माहौल है, हवा तेजी चल रहा है। जिस दिन लोग फतवा जारी किए हैं उसके एक दिन पहले ही बारिश हुआ था, उसके बाद ही बारिश हुआ है, एकदम माहौल बना हुआ है देश में, ठीक है, खुशी का माहौल है। हम लोग नहीं चाहते कि आप जैसा प्रवक्ता आए। दूसरी बात आपको बता दें, लोगों को खल क्यों रहा है? पहले जो है स्वतंत्र प्रवक्ता और स्वतंत्र पत्रकार का विचारधारा नहीं था, ये अब जन्मा है। आपको बता दें, पहले अनिरुद्ध यादव और अरुणा राय दो ही लोग सेलेक्टिव थे। आपको देश का मुद्दा हो तो, इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हो तो, और आपको राजनीति का बात हो तो, धर्म का बात हो तो, यही दो लोग आपको नमूना आपको दिखते होंगे आए दिनों टिप्पणी करते हुए। अब क्या होता है पता है, अब जो है स्वतंत्र विचारधारा वाला पत्रकार आ गए हैं और प्रवक्ता आ गए हैं। पहले सरकारी प्रवक्ता एक आते थे, एक विपक्ष प्रवक्ता आते थे, और एक सुविधा प्राप्त प्रवक्ता आते थे जो कि कुछ नहीं भी करते थे तो भी आराम से इसमें बैठे रहते थे। अब क्या हो गया, अब स्वतंत्र विचारधारा वाला आया है। इसमें क्या हो रहा है कि अब देखिए, अगर राजनीति का बात आएगा तो इंटेलेक्चुअल सुधांशु त्रिवेदी जी को बुलाया जाता है, धर्म का बात आएगा धीरेन्द्र शास्त्री जी, स्वामी दीपांकर जी को बुलाया जाता है, अगर इंडिया पाकिस्तान युद्ध या फिर सेना उन्हें से रिलेटेड कुछ बात आता है तो हमारे पूर्व भूतपूर्व जो सैनिक थे उनका कहीं ना कहीं जी डी बख्शी ये लोग आते हैं, जो कि कहीं ना कहीं नेहरू का पोल खोल के रखते थे, कितना वर्ग मिल जमीन वो दे के बैठे हुए थे। तो ये सब जो पोल खोलने का काम किए तो इन लोगों को खलने लगा। और आपको बता दें, ये लोग स्टडी जो विपक्षी जो इंडिया एलियंस है जो इन लोग को बॉयकॉट किए, पहली बात तो ये लोग एलियंस है, ऐसे एलियंस जो मंगल ग्रह कौन कौन ग्रह से उठ के आ गए हैं इलेक्शन लड़ने, अलायंस नहीं एलियंस, ये लोग बहुत बड़े बड़े एलियंस है, ठीक है, आ गए यहाँ इलेक्शन लड़ने के लिए। आपको बता दें, ये लोग का होमवर्क अच्छा रहता नहीं था, आते थे पढ़ के जीडीपी के बारे में, पूछ लिया जाता था अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में, आते थे अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में पढ़ के, पूछ लिया जाता था उज्ज्वला योजना के बारे में, जब बात करते थे भ्रष्टाचार का तो याद दिला दिया जाता था लालू यादव, जब बात करते थे लोकतंत्र का तो याद दिला दिया जाता था इमरजेंसी सोनिया गांधी, जब बात करते थे परिवारवाद का तो याद दिला दिया जाता था गांधी परिवार। तो इन लोग का जो पोल खोलने का काम किया जो पत्रकार, उन लोग के ऊपर फतवा जारी कर दी। और एक बात और, सुशांत सिन्हा ही इज नॉट ऑर्गेनाइजिंग एनी टाइप ऑफ डिबेट, सो आपको भी पता होगा बहुत बढ़िया से, सुधीर चौधरी इन लोगों को क्यों फतवा जारी किया गया, सोचने वाला बात है ना, ये लोग ना डिबेट करते हैं, ये लोग अपना पाठशाला चलाते हैं, एक डीएनए चलाते हैं जिसको देश का करोड़ों युवा सुनता है और कहीं ना कहीं आकर्षित होता है और समझता भी है बात को, ठीक है। उन लोगों के ऊपर क्यों फतवा जारी हुआ पता है क्यों? G20 के बाद डिनर में मोदी जी कुछ पत्रकार को बुलाए थे, 14 पत्रकार में से कुछ पत्रकार ऐसे हैं जिनको G20 के बाद जो खाना खाने बुलाए थे मोदी जी। तो मोदी जी के साथ अगर आप भी खाना खाते हैं आपके ऊपर भी इसी तरीके से फतवा जारी होगा जी।
तो मतलब फतवा जारी करने का सिलसिला शुरू हो गया। अच्छा एक और सवाल बताइए, अनुराग भदौड़िया हो गए, सुप्रिया शिनेत हो गई, या फिर और तमाम जो विपक्षी प्रवक्ता है, अब वो करेंगे क्या? मतलब नौकरी तो कहीं ना कहीं चली ही गई। हाँ नौकरी तो गया ही, और सबसे बड़ा बात है जो देश में हम लोग जो टेलीविजन को मान लीजिए कहीं ना कहीं टीवी को फोड़ने का मन करता था, अब हम लोग के घर में सबसे पहले टीवी सुरक्षित रहेगा। सुप्रिया शिनेत जैसे बाहियात प्रवक्ता को देख के हम लोग अब गुस्साएंगे नहीं, अब वो इंस्टाग्राम ट्विटर पर रहेगी। और सबसे बड़ा बात एक बार आपको बता दें, ये लोग का पहले क्या था पता है, ये लोग कुछ भी टिप्पणी देश के खिलाफ करते थे, धर्म के खिलाफ करते थे, आराम से करके 6-7 बजे करके शो में और जाके AC चला के सो जाते थे घर में। अब क्या हो रहा है पता है, अगर ये लोग कोई टिप्पणी करते हैं तो ट्विटर पर ट्रेंड कर जाता है कि देखिए कांग्रेस के प्रवक्ता ये बात किए देश के खिलाफ, उसके बाद रील्स वायरल हो जाता है और उसके बाद प्रशासन अलग पीछे पड़ जाता है। इन लोग को बहुत दिक्कत होने लगा क्योंकि अब जो है ना पूरा देश का युवा समझ चुका है। और सबसे बड़ा तुम पत्रकार को बैकआउट किया, इन लोग का विचारधारा क्या है, कभी इमरजेंसी, कभी सिख नरसंहार, कभी हिंदू नरसंहार, कभी सेक्युलर शब्द ऐड करना, मतलब इन लोग का इतिहास जो है ना, कभी पत्रकार को मारना शुरू किए थे अर्णब गोस्वामी से, फिर मनीष कश्यप, फिर अब 14 पत्रकार, ये लोग कितना ही बॉयकआउट कर ले, ये लोग अब नहीं आ रहे तो देश का युवा खुश है कहीं ना कहीं। और आप लोग उसी चैनल पर नहीं औकात है ना, तो आप पत्रकार को आप बॉयकआउट मत कीजिए, क्योंकि आप मान लीजिए खबरें भारत चला रहे हैं, आपके जो आपको बाइट लेने बोलेंगे आप वही लीजिएगा, पत्रकार का तो कोई गलती है नहीं, तो आप पत्रकार को क्यों बॉयकॉट कर रहे हैं? सर औकात है ना, तो आप जो चैनल तैयार किए थे चाइना पाकिस्तान से फंड लेके, आप उसके ऊपर फतवा जारी कर दीजिए। और सबसे बड़ा बात, अगर गोदी मीडिया का बात आता है ना, आप गोदी मीडिया, ठीक है, और ये क्या बोलता है सुधीर चौधरी गोदी मीडिया, सुशांत सिन्हा गोदी मीडिया, अंजना ओम कश्यप, चित्रा तिवारी सब गोदी मीडिया, रवीश कुमार, चित्रा त्रिपाठी, अजीत अंजुम, साक्षी जोशी, प्रज्ञा मिश्रा, ऐसे अन्य चीन के पैदाइशी लोग जो यहाँ काम कर रहे हैं, जो मोदी जी के खिलाफ एजेंडा चलाते हैं, G20 जो देश का मुद्दा था उसको G20 साबित करने के लिए जो ये लोग काम किए, वो लोग क्या पप्पू मीडिया है क्या? हम लोग बोले उनको पप्पू मीडिया, लेकिन नहीं, जो जिसको चौथा स्तंभ मिला है कहीं ना कहीं पत्रकार को, उसका हम लोग सम्मान करना जानते हैं, ठीक है, और पत्रकार के ऊपर हम लोग सवाल नहीं खड़ा करते। और सबसे बड़ा बात, ये लोग तो यूट्यूबर हैं, जो साक्षी अंजुम ये सब है, साक्षी हो गई, ये अजीत अंजुम, ये लोग तो यूट्यूबर हैं, उनके ऊपर इन लोग का कोई टिप्पणी नहीं आता, लेकिन जो रियल पत्रकार है जो पढ़ लिख के वहाँ पोस्ट बैठे हैं सेटेलाइट चैनल पर, उनके ऊपर टिप्पणी कर देते हैं। तो सोचने वाला बात है इन लोग को पढ़े लिखे जो पत्रकार जो राष्ट्रवादी सवाल पूछते हैं, जो देश के युवाओं का मुद्दा उठाने काम करते, उसे लोग खल रहे, खलने दीजिए, देश का युवा पूरा खुश है, पूरा खुश है। तो मतलब अब टीवी बचा रह जाएगा स्वतंत्र भारद्वाज का ये कहना है। बाकी आपके हिस्से की राय बेहद आवश्यक है, उसके लिए कमेंट बॉक्स में भरपूर जगह है, अपने हिस्से की राय रखिए। अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार।